दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कीबोर्ड कैसियो CTX 870 इनको मिडी कमांडर ऐप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिडी कमांडर ऐप बहुत ही काम का बहुत ही मजेदार ऐप है जिसको यूज करके आप जल्दी से टोन्स चेंज कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखती है। जब आप पूरा कनेक्शन बना लेंगे मिडी ऐप से तो आपके स्मार्टफोन में कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखती है। देखिए आपको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिख रहे होंगे, इन बॉक्सेस पे आप कोई भी टोन सेट कर सकते हैं। अब अगर आप कोई गाना बजा रहे हैं तो कीबोर्ड से टोन चेंज करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मिडी ऐप से कनेक्शन बना लेंगे और इनके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में टोन्स के नाम सेट कर देंगे तो जल्दी से छूते ही वो वाला टोन लग जाएगा। और भी बहुत ढेर सारे काम इस ऐप से आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड को इस मिडी कमांडर ऐप से कनेक्ट करना होगा। वही पूरा आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस पूरे कनेक्शन के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली, आपके पास एक स्मार्टफोन तो होना ही चाहिए, टैबलेट हो भाई तब भी चलेगा, एक प्रिंटर केबल चाहिए। प्रिंटर केबल मैंने आपको अपनी वीडियोस में कई बार दिखाया, बहुत काम की चीज है। एक OTG कनेक्टर चाहिए, बस यही दो चीज, प्रिंटर केबल, OTG कनेक्टर, हो गया सक्सेसफुल कनेक्शन। अब कैसे करते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसमें दो एंड होता है, एक USB वाला होता है जिसको आप अपने OTG कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे, और प्रिंटर केबल का दूसरा एंड अपने कीबोर्ड के पीछे जहां पर प्रिंटर केबल लगाने का पिन बना है वहां पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो OTG कनेक्टर है इसमें जो पिन आपके स्मार्टफोन में लगे अपने स्मार्टफोन में लगा दीजिए, कनेक्शन बन गया। अब अपने स्मार्टफोन में मोबाइल में क्या करना आइए मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे देखिए मेरे स्मार्टफोन में यहाँ पे मिडी कमांडर ऐप है, मैं इसको एक बार प्रेस कर दूं तो देखिए ये खुल जाएगा, ये सारे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस खुल गए, इसमें से किसी में भी मैं सेट कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले कनेक्शन के लिए देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर डिफॉल्ट नो डिवाइस लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी कोई कनेक्शन बना नहीं है कीबोर्ड से। अब अगर मैं अपने OTG केबल का SC वाला पोर्ट अपने फोन में जैसे ही लगा दूं, मैं प्रिंटर केबल का दूसरा एंड अपने कीबोर्ड में लगा चुका हूं, तो ए वाला सी पोर्ट लगाते ही देखिए यहां पे तुरंत लिख के आ गया कैसियो। देखिए आपको एकदम सामने दिख रहा है ना, डिफॉल्ट पहले नो डिवाइस था भी कैसियो लिख के आ गया, मतलब इस मिडी कमांडर ऐप ने मेरे कीबोर्ड कैसियो CTX 870 को डिटेक्ट कर लिया है। अब इसको अगर मैं और आपको दिखाऊं तो ये लास्ट वाली तीन डॉट पे क्लिक करते ही अगर आप ये वाली ग्लोबल सेटिंग पे टच करते हैं तो यहां पे आपके कीबोर्ड का नाम दिख जाएगा, जैसे मेरे में कैसियो USB मिडी लिख के आ रहा है, मतलब ये डिवाइस पूरी तरह से कनेक्टेड हो गई है। तो अगर आप भी अपने कीबोर्ड कैसियो CTX 870 को अपने स्मार्टफोन से मिडी कमांडर ऐप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद की जो चीजें हैं, यानी इस मिडी कमांडर ऐप को हम चलाते कैसे हैं, कैसे इनमें टोन्स लगाते हैं, वो मेरे आने वाली वीडियोस में आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा।